महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। उसके पश्चात कई प्रकार की भयानक अपशकुन घटनाएं घटने लगी। भगवान कृष्ण को गांधारी के द्वारा और उनके पुत्र शाम्ब को ऋषियों से मिले श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। फिर बलराम ने समाधि धारण कर अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद एक शिकारी द्वारा चलाए गए वाण से श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दी। उधर इस बात की सूचना जब पांडवों को मिली तो उन्होंने भी द्रौपदी सहित परलोक जाने का निश्चय किया और फिर सशरीर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में युधिष्ठिर को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा था? अगर नहीं तो इस कथा को अंत तक देखें। नमस्कार, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दूं कि स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उससे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद पांडवों व द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह देख अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। फिर पांचों पांडव द्रौपदी सहित अनेक तीर्थों, नदियों व समुद्रों की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन वो सभी चलते चलते लाल सागर तक आ गए। परंतु अंतिम यात्रा के समय भी अर्जुन अपने गांडीव धनुष व अक्षय तरकशों के लोभ का त्याग नहीं कर पाए थे, जिस कारण लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तरकशों का त्याग करने को कहा। तब अर्जुन को ना चाहते हुए भी इन दोनों का त्याग करना पड़ा। फिर पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। इस तरह यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया था। पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू से भरा समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर वे सभी सशरीर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। तभी इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से कहा, मैं तुम लोगों को लेने आया हूं। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु क्षमा करें, हम लोग आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए अपने बल पर ही स्वर्ग तक की यात्रा करना उचित होगा। युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। उसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गईं। यह देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह सबसे पहले नीचे गिर पड़ी? तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तभी भीम ने पुनः युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा, तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा। इसी तरह कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। फिर भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई। उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। यह देख युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन का मानना था कि वह एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वह ऐसा कभी कर नहीं पाया और इसी अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। उसके बाद थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। अब केवल वह स्वामी भक्त कुत्ता ही उनके साथ चल रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां धर्मराज ने उन्हें ये कहते हुए रोक लिया कि युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ यह कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। धर्मराज की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है,
इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। परंतु जब काफी देर तक समझाने पर भी युधिष्ठिर कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। दर्शकों, आपको बता दूं कि युधिष्ठिर जिस कुत्ते को पूरे रास्ते अपना स्वामी भक्त कुत्ता समझ रहे थे, वास्तव में वह कुत्ता मृत्यु के देवता यमराज थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज यानी धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले गए। परंतु स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, जबकि उनके चारों भाई और द्रौपदी वहां नहीं हैं। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही दुर्गम और खराब था। उस मार्ग पर चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था। सभी ओर लाशों का अंबार लगा हुआ था जिनसे दुर्गंध आ रही थी। इसके अलावा लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असिपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हों तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। परंतु जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से बार बार कुछ देर और वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। उन करुण आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। उसके बाद उस देवदूत ने ये बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। फिर कुछ क्षण पश्चात सभी देवता भी युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी, चारों ओर उजाला हो गया। यह देख युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि हे देवगण, मुझे पहले यह बताइए कि ये सब क्या है। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था, इसी परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई आनंद पूर्वक विराजमान थे। फिर वहां युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए देखा और नकुल व सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको महाभारत से जुड़ी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को अवश्य लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।